अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग जा रहे हैं फयाज की खाला के घर गुलशन हदीक, और पूरे एक साल के बाद हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। स्कूलों की फिर दोबारा छुट्टियाँ हो गई 26 और 27 अगस्त को, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जा रहे हैं गुलशन हदीक। फयाज के जो कज़न के बच्चे हैं वो रफ़ा के फ्रेंड भी हैं, तो रफ़ा बड़ी खुश थी उनसे मिलने के लिए। मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है और शुक्र है अल्लाह का कि 3-4 दिनों से बारिश नहीं हुई। चलिए जी, हम लोग पहुंच चुके हैं कि घर के नीचे। यहाँ पे फयाज की कज़न का शॉप भी है कपड़ों का, और इनका अपना पार्लर भी है जो मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। गिलो एंड गो ब्यूटी सैलून। रफ़ा और नाफुल इंजॉय कर रहे हैं बहुत, और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर और सब बच्चे आए हैं मिलने के लिए। अपने अपने नाम बताएंगी ये बच्चियाँ। बच्चे सब मिलकर खेल रहे हैं और हम लोग बैठे हैं गपशप लगा रहे हैं, और हम लोग आए हैं जुम्मे की नमाज के बाद, और ये है लंच टाइम के लिए। आप सबको जुम्मा मुबारक हो बहुत बहुत। खाने में बनाया था ग्वार की फली, शाही आलू, चपाती एंड चावल, मसूर की दाल, दही। उन्होंने बहुत ही एहतमाम किया था खाने का। बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर दौर चला चाय का। चाय बनाई थी हुमा ने, और बहुत ही मज़े की चाय बनाई थी। इनका भी अपना चैनल है हुमा व्लॉग के नाम से। उसके बाद फिर हुमा ने बनाई खीर, और ये खीर थोड़ी डिफरेंट थी। इसमें शीर खोरमा और जो खीर मिक्स होती हैं दोनों को मिक्स करके बनाई थी, और बहुत ही लजीज बनी थी। खीर हमारी बन चुकी है और इसको हम अब रखेंगे फ्रीज़र में। ये क्या कर रहे हो आप लोग? खीर नहीं खा रहे हो? किसने दिया आपको? मम्मा ने। रफा आप भी खा रहे हो? हाँ खाओ, मज़े किए। चल चल एंजॉय करें आप। मेरे बच्चे अकेले पले हैं, उनको इन चीज़ों की कोई मालूमात नहीं है कि ऐसे भी हम लोग कोई खाते हैं। बचपन में हम लोग भी ऐसे करते थे, सब कज़न्स वगैरह एक साथ रहते थे, मिलके इसी तरह हम लोग चीज़ें खाते थे। अब डिनर में बन रही है चिकन कढ़ाई। बारबेक्यू का टच देने के लिए इसमें रखा है कोयला गरम करके, उसके ऊपर फिर ऑयल डाल के फिर हम लोग इसको कवर करके। खाना खाने के बाद फिर सब कज़न्स आए थे और यहाँ पे खीर सब लोग खा रहे हैं। उसके बाद जी आप क्या बना रहे हैं? जी अभी नई एक तरकीब आई, क्योंकि आजकल के तो अभी मच्छर आ गए हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं, तो इसीलिए देखें हमने कॉइल लिए, कॉइल को तोड़ा है। कॉइल के ज़र्रात आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो अभी हमें इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसी के लिए अब हम इसे कूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें और भी चाहिए होगा, तो इससे हम बचाएंगे मच्छरों की अच्छी खासी बैंड। आप देख रहे होंगे कि जो मच्छर आपको काट रहे हैं तो कुछ अलग ही किस्म का आपके बॉडी पे जो निशानात बन रहे हैं, और उस मज़े की बात है जब आप उनको स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं तो आपकी हालत और ख़राब हो जाती है। तो ऐसे स्क्रैचेस हों तो उसे बिल्कुल भी स्क्रैच आप मत करें, और जो अभी हम आपको तरकीब बता रहे हैं इस पर आप अमल करें तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। अभी हम इसे चूरा करेंगे। ये बच्चों को मच्छरों की चक्कर में
सोते ये हावन दस्ती से हम काट रहे थे लेकिन इसने काम नहीं किया, तो हमने कहा कि कुछ हैमर एक्शन होना चाहिए। मच्छरों को मारने वाला क्वार्ट सो रहे हैं। आज के जो वीडियो है बहुत ही मुनफरद है, क्योंकि इस तरह की जो आपको तरकीब है बहुत ही कम मिलेगी। ये हमारे एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी सीक्रेट रेसिपी हमसे शेयर की है, और इसमें जो मुख्तलिफ दूसरे अज्जा भी हम शामिल करेंगे तो उनको देखकर आपको हैरानी ज़रूर होगी। और जो मच्छरों की लाशें आप देखेंगे वो भी हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। अब हम लोग आए नीचे पार्लर में, और ये देखें आप यहाँ पे क्या क्या सामान रखा हुआ है इन्होंने। मेकअप का सामान, ये लिप ग्लॉसेस, वैक्स हीटर, ऊपर नेल कलर, ये वैसलिन वगैरह ये सेल भी करती हैं, ये कॉस्मेटिक का जो भी सामान हो ये सब सेल करती हैं, और इनका अपना पार्लर भी है, बुटीक भी है, फेसबुक पे इनका कॉस्मेटिक का पेज भी है, आप लोग इनसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। माशाल्लाह ये अच्छी ब्यूटीशियन है, इनका मेकअप भी बहुत ही अच्छा है और रीजनेबल है। यहाँ पे फेशियल का सामान रखा हुआ है, ये वाला है कलर्स, हेयर कलर, काला कोला, डर्माकॉस का फेशियल, और ये गोल्ड क्यूकिश वालों का, और ये सॉफ्ट टच वालों का गोल्डन पर्ल, हेयर स्प्रे, वाइटनिंग कैप्सूल, और ये वैक्स पड़ी हुई है हर्बल वैक्स। यहाँ पे हेयर कलर सिल्की वालों का, क्यूमी की ब्लीच, और ये हेयर एक्सटेंशन, हेयर कलर के शेड कार्ड, इनके पार्लर का नाम है गिलो एंड गो ब्यूटी सैलून। यहाँ पे ये कॉस्मेटिक भी सेल करती हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। फिर जब हम लोग ऊपर आए तो ये केमिकल बन चुका था और इन लोगों ने जला दिया इसको कि ये सारी रात काम करेगा। अब फिर हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। एक रूम इन लोगों ने हमें दे दिया, वहाँ पे रफ़ा और रफ़ा की फ्रेंड ने भी बोला कि हम लोग रफ़ा के साथ सोएंगे, तो इस रूम में हम लोग सोए हुए हैं और दूसरे रूम में वो कज़न वाले सोए हुए हैं। फिर दूसरे दिन सुबह में ये बच्चा आया हमें बुलाने के लिए कि अम्मा बुला रही है कि आ जाओ नाश्ता करो। माशाल्लाह से ये हालार नौफल जितना है, और माशाल्लाह ऐसी ऐसी बातें करता है जो बड़े करते हैं। हम सब ने फिर ब्रश वगैरह करके बच्चों को चेंज वगैरह करवा के फिर हम लोग गए हैं वहाँ खाना खाने के लिए। और यहाँ पे है चने का सालन, चिकन के कोफ्ते, पराठे, और चाय बन रही थी। और नाश्ते में भी इन्होंने बहुत ही हैवी किस्म का नाश्ता करवाया, और हम लोग सुबह में करते हैं सिंपल नाश्ता। चाय भी हमारी आ गई है। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे चेस मिनी खुला हुआ है तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे चेस। फिर हम लोग गए मिलके चेस, वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे मेरे पास मोबाइल नहीं था, और वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की, वो मैं आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया। लंच में इन लोगों ने बनाया कढ़ी चावल और फिश फ्राई की। लंच करने के बाद फिर हम लोग निकले अपने घर के लिए, और इन लोगों ने बहुत ही खिदमत की हमारी, बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी की। आप सब कज़न्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही हम सबको मज़ा आया।
आई होप आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।